इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे 5 मैच की T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये शुरुआत हमारी और आपकी उम्मीदों के ठीक उलट हुई। शनिवार 6 जुलाई को हुए पहले मैच में टीम इंडिया हार गई। हम 115 के लक्ष्य को चेज नहीं कर पाए। जिम्बाब्वे ने इंडिया के सामने T20I का सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड कर लिया। हम 13 रन से हार गए। लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि जब बोर्ड पर 115 लगे तब तो हमारे सारे ही लोग ये सोचकर बैठे थे कि हमारी टीम इसे 10 ओवर में ही चेज कर डालेगी। लेकिन जब दूसरी पारी शुरू हुई तो इस सोच पर रोना आया। इंडिया एकदम ताश के पत्तों की तरह फैल गई। अभिषेक, रुतराज, रियान पराग, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल, एक भी बंदा 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। अभिषेक शर्मा आईपीएल वाला स्टाइल लेकर आए थे। शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद को पुल करने गए लेकिन गेंद ढंग से बल्ले पर चढ़ी नहीं। फील्डर ने मौका छोड़े बिना कैच लपक लिया। शानदार डेब्यू की उम्मीद लगाए लोगों का मुंह लटक गया। अभिषेक 0 पर पवेलियन लौटे। इनके बाद आए रुतराज। टेस्ट की लाइन लेंथ देख कंफ्यूज हो गए कि आगे आए या पीछे जाए, और ये कंफ्यूजन खत्म हुई उनके विकेट के साथ। रुतु ने 7 रन बनाए। रियान पराग को चतारा ने स्लोअर डाल फंसा लिया। रियान कुल 2 रन बनाकर चलते बने। रिंकू क्रॉस मारने के चक्कर में आउट हुए। ध्रुव जुरेल स्लोअर ऑफ कटर पर अपना कैच थमा बैठे। टीम को ऐसे खेलता देख फैंस का मूड खराब हो गया। लेकिन चिंता की बात नहीं है, टीम उसी कप्तान को फॉलो कर रही है जिसने हमें अभी अभी वर्ल्ड कप जिताया है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हारने के बाद रोहित ने दिनेश कार्तिक से कहा था, ये खेलने का तरीका नहीं है, हमको और ज्यादा आक्रामक होकर खेलने की जरूरत है। इसी बदले तरीके पर काम करते हुए टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। रोहित ने जब स्टार्क के एक ओवर में 10 रन निकालने के बाद भी उनको कूटना जारी रखा तो इसके पीछे यही अप्रोच थी। अब अभिषेक शर्मा, रियान पराग जैसे लड़के भी उसी अप्रोच को जारी रख रहे हैं और उनके इसी अप्रोच को हमने IPL में खूब सराहा था। तो ठीक है, किसी दिन ये चलेगा, किसी दिन नहीं चलेगा। आज ना चला लेकिन अगले मैच में यही हमें बड़ी जीत भी दिलाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, आप इस बात की शिकायत जरूर कर सकते हैं कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ा टिकना चाहिए था, रिंकू को स्कोर करना चाहिए था, शुभमन को फिनिश करना चाहिए था। ये शिकायतें जायज है, इन पर कप्तान ने भी गौर फरमाया है। मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, हमने अच्छी बॉलिंग की लेकिन हमने फील्डिंग में अच्छा नहीं किया, थोड़े कमजोर लगे। हम समय लेना चाहते थे, बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आधे रास्ते में हमने 5 विकेट खो दिए थे। सबसे अच्छा होता अगर मैं अंत तक रुकता। मैं जिस तरह से आउट हुआ उससे निराश हूँ। वॉशी ने उम्मीदें कायम रखी। जब आपको 115 रन का पीछा करना हो और आपका नंबर 10 का बैटर आपको गेम जिताना चाहता हो तो आप जानते हैं कि कुछ गलत हो गया है। अब आपको मैच का हाल भी बताते हैं। इंडियन कैप्टन शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। शुरुआत में ये फैसला सही भी लगा। ओपनर इनोसेंट काइया 0 पर पवेलियन लौट गए लेकिन इसके बाद ओपनर वेस्ली और ब्रायन ने मिलकर टीम के लिए रन जोड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच छोटी पार्टनरशिप हुई। ब्रायन लौटे तो कप्तान सिकंदर रजा ने भी 17 रन का योगदान दिया। ऐसी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स के दम पर जिम्बाब्वे ने 20 ओवर्स में 115 रन बना लिए। क्लाइव ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 29 रन की पारी खेली। इंडिया के लिए रवि बिश्नोई ने 4 और वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट्स निकाले। जवाब में टीम इंडिया की बैटिंग कैसी रही वो हमने आपको बताया ही। कप्तान शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ कोई मैदान पर टिक नहीं पाया। गिल के 31 के अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 27 रन बनाकर टीम के लिए फाइट की जबकि आवेश खान ने 16 रन बनाए। सीरीज का अगला मैच संडे 7 जुलाई को खेला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।